भगवान भाई नमस्कार। आज आपको ग्राफ्टिंग के बारे में बिल्कुल बारीकी से बताने जा रहा हूँ, किस तरह से आपने ग्राफ्ट करनी है। ये देखिए, एक तेज धार चाकू से इस तरह से शार्प कट मारना है। और आज साथ ही साथ आप सीखेंगे कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल ग्राफ्टर जो है आप भी बन सकते हैं सिर्फ एक ग्राफ्टिंग के द्वारा। ये देखिए, इस तरह से कलम आप करेंगे, भगवान वायु। ये जो ग्राफ्टिंग का तरीका है, इसमें आप 100% जो सक्सेस होंगे और आपका जो ग्राफ्ट है वो बिल्कुल काफ़ी टिकाऊ और काफ़ी ग्रोथ, इस तरह से अगर आप ग्राफ्टिंग करेंगे तो आती है। और आपको इस तरह से जो ग्राफ्ट है, जो साइन वुड है, जो कलम है, जो वैरायटी आपने लगानी है, उसको जो इस तरह से आपने छीलना है, देखिए। और जो ये नोक निकली होती है इसको काटना है जहाँ आप ग्राफ्ट कर रहे हैं। और चाकू का इस्तेमाल करके आप ग्राफ्टिंग, जो आपका नाइफ है उसका इस्तेमाल, इस तरह से आप कलम को अंदर इसके बीच में डालने के लिए जो आप इसकी सहायता ले सकते हैं। देखिए बाबा भाइयों, ये जो है आपस में मिल चुकी है, इस तरह से ये मिलनी चाहिए, देखिए। और इस तरह से अगर आप ग्राफ्ट लगाएंगे तो ये ना तो टूटेगी और ग्रो काफ़ी जल्दी करेगी। और इसके बाद इसमें जो प्लास्टिक लगाने का तरीका है, ये पीछे से आप आगे को लगाएंगे, क्योंकि चाकू का जो घाव है, जो इसकी हीलिंग होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हुई होती है, इसलिए इसको पीछे से आपने जो है आगे की तरफ जो है ऐसे घुमाते हुए हल्का सा टाइट करते हुए आगे को लाना है, इस तरह से रोल करते हुए। भगवान भाइयों, बिल्कुल प्लास्टिक बिल्कुल आराम से लगा। ये देखिए, इसकी जो ये चमड़ी है, स्किन है इसकी, बस इसको इसके साथ मिलाना है और प्लास्टिक से बंद करते जाना है, बिल्कुल कहीं से खाली स्पेस ना रहे। अगर खाली स्पेस रहता तो आपकी ग्राफ्ट जो है सक्सेस नहीं होगी, इसलिए इस तरह से जो है प्लास्टिक को आप रोल करते जाएंगे। और अगर आप इस तरह से ग्राफ्टिंग करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक सक्सेसफुल जो है ग्राफ्टर बन जाएंगे। तो भगवान भाइयों, आप जो है इस तरह से ग्राफ्टिंग करें और ये मजबूत टिकाऊ ग्राफ्टिंग इस तरह से ही की जाती है। और यहाँ से भगवान भाइयों, ऊपर और नीचे का जो भाग है इसमें जो है बिल्कुल इसको टाइट करें प्लास्टिक को, ताकि यहाँ से हवा और पानी ना घुसे। तो भगवान भाइयों, मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों।